बाजपुर पहुंचे उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हाईकोर्ट द्वारा बीते दिनों विद्यालयों द्वारा अभिभावकों से जबरन वसूली जा रही फीस को लेकर दिए आदेश को बयान दिया। वहीं इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा आदेश के साथ एक शासनादेश भी जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा दे रहे विद्यालयों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर गलत तरीके से फीस लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाई कोर्ट का आदेश है, उसका 100% पालन किया जाएगा और जो आदेश है उसी के सापेक्ष शासनादेश भी है कि जो लोग ऑनलाइन जैसे लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के दौरान जो लोग अपने बच्चों को जो संस्थाएँ जो स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उसकी मात्र ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कोई फीस देगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से या किसी माध्यम से किसी स्कूल की शिकायत होगी तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उसके विपरीत अलग हटके ऐसा भी अभिभावकों से किसी तरह का फीस लेना इसमें बहुत बड़ा अपराध। कोरोना महामारी से बचाव के लिए समय समय पर त्रिशूल हैंड वॉश से हाथ धोते रहें और त्रिशूल सैनिटाइज से सैनिटाइज करते रहें। त्रिशूल प्रोडक्ट अधिकतर विक्रेता देवेंद्र एजेंसी ताड़ीखाना चौक मुरादाबाद। कॉन्टैक्ट 8755200900।